जल सो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ पुष्पा फिल्म के ऑडियंस ऑक्यूपेंसी और कलेक्शन एस्टिमेट्स के बारे में। और पुष्पा फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसे लोगों ने बेहतर रिस्पांस दिया है। ये फिल्म तेलुगु सर्किट्स में तो धमाल मचाते हुए नजर आई, साथ ही हिंदी सर्किट में भी इस फिल्म का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। सबसे तगड़ा रिस्पॉन्स इसका मुंबई महाराष्ट्र से आया और दिल्ली में भी ठीक ठाक रिस्पांस था, लेकिन अहमदाबाद चंडीगढ़ या बाकी जगह पे थोड़ा लो रिस्पांस था। और हिंदी सर्किट में ये फिल्म काफी अच्छा कलेक्शन कर सकती है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का है कि इस फिल्म के रिस्पांस को कैसे आंका जाए, क्योंकि ऑक्यूपेंसी जो तेलुगु शोज की है, चाहे वो हिंदी में देखा जाए या हिंदी सर्किट में देखा जाए, नॉर्थ सर्किट में या साउथ में, अलग लेवल पे है तेलुगु वर्जन की पॉपुलैरिटी, रिस्पांस, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी। हिंदी जो वर्जन है उसका रिस्पांस भी काफी डिफरेंट, काफी अलग है। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टू टेल कि ओवरऑल हिंदी सर्किट का रिस्पांस कितना है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कैसा रिस्पांस है, उसको लेकर थोड़ी बात मैं करना चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में फिल्म कितना कमा सकती है, कितना कमाई होगी, उसको लेकर फिलहाल मैं बता रहा हूँ। 23-25% इन द मॉर्निंग शोज, इसके अलावा कम से कम 30-32%, 30-32% इन आफ्टरनून शोज, इवनिंग शोज 35-40%। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट नॉर्थ इंडिया सर्किट। एंड ओवरऑल इसका ऑक्यूपेंसी स्टेटस 34 से 35 के रेंज में नजर आ रहा है फर्स्ट डे का। स्क्रीन्स बहुत ज्यादा पता नहीं चले, लेकिन वी होप इट्स 800 to 1000 स्क्रीन्स फॉर पुष्पा इन नॉर्थ सर्किट। एंड बहुत अच्छा स्क्रीन्स मिला है इसे अहमदाबाद व गुजरात साइड में पुष्पा को। एंड यहाँ पे ये फिल्म को ज्यादा तो दिक्कत हुई है वो स्पाइडरमैन ने दी है, स्पाइडरमैन की वजह से काफी कम इसे स्क्रीन्स मिली है बहुत सारी जगह, अदरवाइज इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन कुछ और ही होता। सो हिंदी मार्केट यानी कि स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया मार्केट है वहां पर ये फिल्म इस अगर 1800 स्क्रीन्स और जो रिस्पॉन्स को लेकर बात करें तो 7-8 करोड़ फिलहाल चीजें नजर आ रही है इस फिल्म से जुड़ी हुई, उससे कम तो नजर नहीं आ रही है। 7-8 करोड़ तेलुगु और हिंदी शोज की बात करें नॉर्थ सर्किट में। तो अक्रॉस इंडिया ये फिल्म अभी तक मेरे रिस्पॉन्स से, ऑक्यूपेंसी तो आपको पता ही तेलुगु सर्किट में कैसी है, 80% के ऊपर ही, 85% के ऊपर, इट्स ऑलमोस्ट हाउसफुल। ये फिल्म फर्स्ट डे का मैंने 28-30 करोड़ कहा था एंड आई होप द कलेक्शंस बाय करंट सिनारियो इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग अराउंड 32-34 करोड़। लेट्स सी हाउ दिस फिल्म परफॉर्म्स। आई थिंक ये ग्रॉस होगा 32-34 करोड़ ग्रॉस होगा। नेट इसका मैं मेरे बातों पे ही सहमत हूं, मुझे लग रहा है कि इसका नेट कलेक्शंस 27-28 करोड़ तक का होना चाहिए। 27-28 करोड़ एक काफी बड़ा नेट कलेक्शन होगा। लेट्स सी हाउ फार दिस फिल्म कैन गो, बट हाँ फर्स्ट डे विल डेफिनेटली गोइंग टू बी सीरियस नोट फॉर दिस फिल्म। सो लेट्स सी हाउ फार द कलेक्शन गोज, बट एक चीज साफ है कि फिल्म झंडे गाड़ रही है एंड 27-28 करोड़ दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक करेंटली। बट आई एम सीरियसली नॉट श्योर बिकॉज इसके प्रॉपर कोई ऑक्यूपेंसी, प्रॉपर कोई स्टेटस नहीं आया है दोस्त मेरे, तो कल जाके मेरा कलेक्शन स्टेटस या कोई भी चीजें मेरी गलत हो फर्स्ट डे की तो मुझे माफ कर देना। बट मुझसे काफी लोगों की उम्मीद है फिलहाल जुड़ी है और काफी लोग चाहते थे कि इस फिल्म के बारे में कुछ डिस्कस करो, मैं बनाऊ इस तरह का वीडियो, तो मैं स्पेशली बनाया है, काफी देर हो गया है फिर भी बनाया है। सो यस, होप फॉर द पॉजिटिव थिंग एंड दिस फिल्म हैज ए गुड चांस टू कलेक्ट अराउंड 27-28 करोड़ ऑन द डे वन अक्रॉस इंडिया नेट कलेक्शन और 35 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन जाएगा फर्स्ट डे का, आई होप।